मात्र एक चम्मच तेल में पोहे का ऐसा चटपटा और टेस्टी हेल्दी नाश्ता लेकर के आ गई हूँ, जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं और जितना मन चाहे पेट भर के खा सकते हैं बहुत ही कम सामानों से। सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और तारीफें करते नहीं थकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप पोहा ले लिया है, कोई सा भी पोहा ले सकते हैं। इसे दो तीन पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे दो तीन पानी से अच्छे से धो लिया है। अब एक गिलास पानी इसमें डाल करके इसे ढक करके थोड़ी देर छोड़ देंगे फूलने के लिए। अब एक दूसरे बोल में आपको लेना है एक कप ही सूजी, मोटी बारीक कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। आधा कप जाएगा इसमें दही, फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, खट्टी नहीं होनी चाहिए दही। स्वाद अनुसार जाएगा इसमें नमक और अच्छे से मिला लेना है आपको, पानी वगैरह नहीं ऐड करना है। सिर्फ दही के साथ ही सूजी को अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा सा यहाँ पे बैटर तैयार हो चुका है। अब इस बैटर को हम साइड में रखते हैं। पोहा भी यहाँ पे हमारा अच्छे से भीग चुका है तो सारा पानी निचोड़ लेंगे और इसे अलग कर लेंगे। यहाँ पे सारा पानी निचोड़ लिया है पोहे का, पोहा यहाँ पे फूल गया है। अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे हाथों से ताकि बिल्कुल चिकना सा हो जाए। हाथों से दबाकर देखेंगे बन रहा है कि नहीं, तो देखिए ये अच्छे से चिकना होकर के बनने लगा है। तो अब क्या करेंगे, अब जो हमने यहाँ पे सूजी और दही को मिला कर रखा था वो भी अच्छे से फूल कर सेट हो गया है, देखिए काफ़ी थिक है, इसे भी इसी में डाल देंगे। सूजी ऐसे ही थिक होनी चाहिए, बिल्कुल भी पतली नहीं होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके हाथों की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे ताकि दोनों चीज़ें आपस में एक साथ अच्छे से बाइंड हो जाएँ, मिल जाएँ। जब तक मैं इन्हें मिलाती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ये बताएं कि ये रेसिपी आप किस शहर की सिटी से देख रहे हैं। मुझे अपने शहर या सिटी का नाम लिख करके कमेंट में ज़रूर से बताएं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये जान करके कि मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट इस तरह से लेना है आपको और हाथों के बीच रखते हुए गोल आकार दे करके हल्का सा प्रेस कर देना है पेड़े के जैसा, और इस तरह का शेप दे देना है इन्हें। बहुत ही आसान है, आप चाहे तो गोल आकार में भी बना सकते हैं। इसी तरह से आपको सभी बना करके रेडी कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी को बना करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे किसी बर्तन में आपको, बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लेना है। पानी में जैसे ही उबाल आता है उसमें ये नाश्ता डाल देंगे स्टीम होने के लिए। तो एक जाली में मैंने नाश्ते को रख दिया है, हल्का सा ग्रीस कर लिया था जाली को ऑयल से, और नाश्ते को रखने के बाद इसे ढक देंगे। ढक करके आपको 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकने देना है। 15 मिनट हो चुके हैं इसे स्टीम होते हुए, ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है, पक चुका है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे निकाल करके मैंने 5 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लिया है, ये देखिए, और अलग अलग कर लिया है। अब एक दूसरे पैन में आपको आधा चम्मच तेल लेना है, तेल को अच्छे से फैला लेना है, और तेल को फैलाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई, और साथ ही में डालना है आपको एक बड़ा चम्मच तिल, सफेद वाले तिल मैंने यहाँ पे लिए हैं। नाश्ते को बढ़िया सा टेस्टी सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे मैगी मसाले का इस्तेमाल किया है, इसे एक पैकेट मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो इसके बिना भी बना सकते हैं, घर के वही धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर डाल करके भी आप ये नाश्ता वैसे ही टेस्टी बना सकते हैं, बट इससे बहुत ही चटपटा और अलग सा टेस्ट आता है तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अब इसमें अपना नाश्ता डाल देंगे, फ्लेम आपका लो पे होना चाहिए। नाश्ते को डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, और इसके ऊपर से आपको डालना है आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स नहीं है तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और साथ ही में इसमें एक छोटा चम्मच डाल देंगे ऑरिगेनो, ये नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेना है आपको, और मिलाने के बाद लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। यहाँ पे आपका चटपटा सा नाश्ता तैयार हो चुका है जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होने वाला है। घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये नाश्ता, ऐसा नाश्ता जो कम चीज़ों से बन जाता है, कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा चटपटा और हेल्दी भी है साथ में। तो सभी के लिए परफेक्ट है ये रेसिपी, बच्चे हो या बड़े या बूढ़े, सभी खा सकते हैं आराम से। और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है आप देख सकते हैं, बिल्कुल नरम मुलायम रुई के जैसा। तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी और मेरे वीडियोज़ को सबसे पहले आप वॉच कर सकेंगे। So bye guys, see you soon on my next video. Till then take care. Thanks for watching my videos. Thank you so much.